घुटने टेकेगा। कहते हैं कि ख्यालातों के बदलने से भी होता है नया सवेरा, सिर्फ सूरज के चमकने से ही सुबह नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा में आज बात करेंगे हम कई बड़ी खबरों की, बात करेंगे दिल्ली में चल रहे वाटर क्राइसिस की भी और बात करेंगे कि किस प्रकार कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और उस पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगले एक घंटे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी नया सवेरा के दर्शकों को। और अगले एक घंटे पावर पैक्ड शो रहने वाला है क्योंकि शुरुआत करेंगे हम केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं और उच्च स्तरीय बैठक में वे कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने वाले हैं। इसके अलावा बात होगी कि किस तरीके से लू का जो संकट है वो भीषण प्रचंड गर्मी का जो बढ़ता जा रहा है और अगले कुछ दिनों भी हीट वेव का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ बात होगी कि कर्नाटक में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उस पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन है, उधर दिल्ली के जल संकट पर भी भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा जिस मुख्य खबर पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है ईवीएम। ईवीएम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और सियासत इस पर गर्म होती जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, निर्वाचन आयोग ने अपनी सफाई दे दी है और दो अखबार हैं जिनको नोटिस जारी करा गया है। बताएंगे कि ये कौन से अखबार हैं। शुरुआत करती है नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज श्रीनगर में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, अमरनाथ यात्रा ट्रैक समेत कई महत्वपूर्ण हाईवे की होगी समीक्षा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन आज से भारत दौरे पर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बैठक में होंगे शामिल। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। वहीं दिल्ली में पानी के किल्लत पर बीजेपी के सांसद करेंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बंगाल में फिर सियासी उबाल, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव बाद हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगा दौरा। डायमंड हार्बर, कुलतली और संदेश खाली में पीड़ितों से होगी बातचीत। रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और लू से झुलस रहे उत्तर भारत में आज भी राहत के आसार नहीं, उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अज़हा, ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। और खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज होगा सुपर 8 में आखिरी टीम का फैसला, बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच सुपर 8 में पहुंचने की रेस जारी। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। ईवीएम को लेकर इस समय खबर सुर्खियों में है, चुनाव आयोग इस मसले को लेकर बेहद गंभीर और सख्त नजर आ रहा है शैला। बिल्कुल, ईवीएम पर झूठी खबर फैलाने और भ्रम पैदा करने की कोशिश करने के आरोप में चुनाव आयोग ने दो अखबारों को नोटिस थमाया है। आयोग का कहना है कि मिड डे और मराठी दैनिक लोकमत की ओर से ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाई गई जिसका फायदा चुनाव में कुछ नेताओं ने उठाया और इसकी वजह से भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह जैसी स्थिति बनाने की कोशिशें हुई। कल जारी हुए नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा है कि झूठी खबर प्रकाशित करने के लिए मिड डे और मराठी दैनिक लोकमत को नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ धारा 499 और 505 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया। मुंबई उपनगरीय निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी मोबाइल ओटीपी की जरूरत नहीं होती है।
उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम हैक करने के एलन मस्क के बयान पर करारा जवाब दिया है। टेक्नो फ्रेंडली राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर सच में बनाया जा सकता है। असल में मस्क ने ईवीएम की सुरक्षा पर बहस छेड़ते हुए कहा था कि ईवीएम को इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैक किया जा सकता है और इसलिए उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाना जाना चाहिए, जिस पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मस्क की चिंताएं उन देशों पर लागू हो सकती हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मानक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके वोटिंग मशीनें बनाई जाती हैं। यह भारत पर लागू नहीं होती है। भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए जाते हैं। यह सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता ही नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए नियंत्रक जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन और बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी एलन मस्क। और आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है, जिसके बाद बीजेपी यहां पर सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी आज सड़कों पर दिखाई देगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ईंधन पर बिक्री कर बढ़ाने को बीजेपी ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इससे होने वाली आमदनी से सरकार चुनाव में किए गए तमाम गारंटियों को पूरा कर सके, यानी कि जनता का पैसा लेकर उसे ही वापस किया जाए। बहरहाल पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और बीजेपी चाहती है कि इस टैक्स को सरकार वापस ले। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पीछे मुख्य वजह कांग्रेस के चुनावी वादों को माना जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कई लोक लुभावने वादों की गारंटियों का नाम दिया था, जबकि वित्त विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि सरकार के पास इन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जिससे लगभग 2500 से 2800 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। भाजपा आरोप लगा रही है कि सिद्धारमैया सरकार पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। तो कर्नाटक में बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम, जिसको लेकर आज बीजेपी का हल्ला बोल होने वाला है। कर्नाटक में बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ ये डिमांड कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जाए। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभा बेंगलुरु से। शुभा सुप्रभात, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। किस तरीके से भाजपा विरोध प्रदर्शन करने वाली है और सिद्धारमैया सरकार किस तरीके से अपना बचाव कर रही है? जी मैडम, कर्नाटक में 3 रुपया बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल में। अभी हम देख रहे हैं लोगों को कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि 3 रुपये अभी बढ़ चुके हैं और बढ़ना है, ऐसे कोई इनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था। अभी बीजेपी सरकार और बीजेपी वालों ने कर्नाटक के कई जिलों में प्रतिभटन का आयोजन भी किया है और सिद्धारमैया सरकार को अपोजिट करते हुए इन्होंने लोगों को कहना है कि और बीजेपी को कहना है कि इसके कीमत को कम करें और लोगों को ये समझ सके कि क्या कर रहे हैं कांग्रेस सरकार में और सरकार में क्या हो रहे हैं। अभी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से कई सारे प्रॉब्लम्स ही होता है, जो ट्रांसपोर्ट में होता है, जो मेडिसिन में होता है, सबके लिए पेट्रोल और डीजल तो चाहिए, पर लोगों को ना देखते हुए कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया है, ऐसे बीजेपी वालों का मानना है। इसीलिए कर्नाटक में सारी जिलाओं में, सारी तालुका केंद्रों में इन्होंने विरोध करते हुए अपनी प्रतिभटना को अभी जारी कर रहे हैं, जिसके चलते कर्नाटक बीजेपी राज्याध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और कई बीजेपी नायकों ने इसके चलते प्रतिभटन का आयोजन किया है मैम। शुभा, उसके चलते ही सिद्धारमैया को कहना है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को और पेट्रोल और डीजल के दाम से बढ़ने से कोई लेना देना है, वो अलग है ये अलग है, जिन्होंने करना था वो कर लिया, अभी लोगों को क्या करना है और बीजेपी को क्या करना है, विरोध कैसे करना है, ये सब जानने के लिए हम आपको डिटेल्स में बता देंगे मैम।
शुभा, लेकिन ये देखिए सरकार के वादों की हकीकत भी बताती है कि आप वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन उसे पूरा कैसे करेंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं होता, फिर जनता से पैसा लेकर उसी को अलग तरीके से उसको वापस करना, तो जनता ये भी देख रही है। और कहीं ना कहीं जब डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें महंगी होती है, एक तरह से महंगाई बढ़ती है। जी मैम, वही तो प्रॉब्लम हुआ है अभी। इनको लोगों को पता भी नहीं था कि डीजल और पेट्रोल बढ़ेंगे। अभी सामान के भी पैसे बढ़ेंगे और उसके भी खर्चा ज़्यादा होंगे। एक कई लोगों को नहीं, जो मध्यम वर्ग में है और मध्यम के नीचे वर्ग में है, जिनको ज़्यादा प्रभाव होंगे मैम अभी। जी शुभा, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। टुक मी टू द मून टुडे। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस क्यूआर कोड before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें, दिल्ली में पानी के संकट के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। बीजेपी के तमाम सांसद आज दिल्ली की 52 अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के 5 भाजपा सांसद अलग अलग इलाकों से इसकी शुरुआत करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल भाजपा ने 14 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो एक तरफ जहां दिल्ली वाले प्यासे हो रहे हैं, गर्मी की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ जल संकट और भी गहराता जा रहा है, इस पर सियासी राजनीति भी हो रही है। आज भाजपा का विरोध प्रदर्शन है, कल भी भाजपा ने 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था, आज भाजपा दिल्ली के 52 अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो पानी से जो सियासी पारा है वो भी चढ़ गया है, लेकिन जो दिल्ली वाले हैं वो बूंद बूंद के लिए अब भी तरस रहे हैं इतने दिनों के बावजूद। हमारे संवाददाता हमारे तक लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। धीरज कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से, गिरीश निशाना जुड़ चुके हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी से, और सुयेश शर्मा जुड़ चुकी हैं दिल्ली के मोतीनगर से। आप तीनों को सुप्रभात। सबसे पहले गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप लगातार दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, यमुना बोर्ड के साथ बैठक हुई, फिर भी जल संकट का क्यों निवारण नहीं हो पा रहा है इतने दिनों के बाद भी? लगातार जल संकट गहराया हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं आतिशी बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं दिल्ली की जल मंत्री जो हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है वो लोगों से जाके पूछना पड़ता है। मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया जहाँ पर वाकई में लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं तो कहें तो एक तरह से जो दिल्ली है टैंकर के सहारे चल रही है। मेरे कैमरा सौरभ से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाए, जहाँ आप देख सकते हैं ये गीता कॉलोनी का दृश्य है जहाँ पर जल बोर्ड के टैंकर खड़े हैं। वहाँ पर आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। तो पानी की दिक्कत किस तरह से है, यहाँ पर स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए किस तरह देखते हैं ये जल संकट को दिल्ली के अंदर? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और उसमें इतना गहरा जल संकट, पीने के पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और जो इसके जिम्मेदार है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर आता है और दिल्ली सरकार में हमारे इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी,
उन्होंने अपने बयान 2015 में जब वो मुख्यमंत्री बन के आए थे अपने बयान पे आज भी अड़ी गए। उन्होंने ये कहा था कि अगले 5 सालों में मैं दिल्ली में हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुँचा दूँ। 2015 में उन्होंने यही कहा, 2016 में यही कहा, 2017 में यही कहा, 2019 में यही, मतलब वो अपने बयान से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं किया। अगर आप सुविधा देने के नाम पे कहेंगे, पानी की किल्लत आज भी देखिए, टैंकरों से पानी दिल्ली में लोग बाग पीने को मजबूर हैं, और वो भी उनको पूरा नहीं मिल रहा, वो भी पूरा नहीं मिल रहा। और टैंकर माफिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जब 2014 में 15 में जब वो आए थे तो उन्होंने इनके खिलाफ बड़ा एक मुहिम चलाया था, बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, और उस टैंकर के सहारे वो अपनी इस नैया को पार लगाना चाहते हैं। और मैंने लेकिन गिरीश बड़ी बात यह है कि 10 साल से केजरीवाल सरकार है, हर साल पानी की किल्लत होती है। गिरीश, यहाँ मैं सुरेश शर्मा के पास भी जाना चाहूंगी। सुरेश, बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो मैं यही समझता हूँ कि बहुत गलत और बहुत गहरा संकट है जी। यहाँ सुरेश के पास भी चलते हैं। धीरज कुमार भी हमारे साथ मॉडल टाउन से जुड़े हुए हैं, धीरज से जान लेते हैं। धीरज, देखिए बहुत गुस्सा भी लोगों में देखने को मिल रहा है, लगातार जिस प्रकार से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को, हमने देखा तमाम विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पानी भरने के लिए ऑफिसों से छुट्टी लेनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतने सालों से हर बार ये दिक्कत का सामना होता है, तो ऐसे में सरकार ने इतने सालों में क्या किया, क्यों नहीं इसके लिए कोई जो है रोड मैप तैयार किया, क्यों नहीं इसके लिए काम किया गया, और अब जब इतने दिन बीत गए हैं तब भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपका कहना लाजमी है, दिल्ली में जो पानी की समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है, और इस समस्या पे बीते सालों भी चर्चा हुई, और बीते 10 सालों से इस समस्या पे चर्चा हो रही है कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उसकी वजह क्या है। सबसे पहले उसकी वजह को जानने की ज़रूरत है। दिल्ली के जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि दिल्ली में 360 गांव हुआ करते थे कभी, और इन 360 गांवों में सभी गांवों में जलाशय हुआ करते थे, बोरवेल हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, और ये जलाशय और ये बोरवेल जो दिल्ली का जो भूगर्भ जल है उस भूगर्भ जल को सुनिश्चित करते थे, भूगर्भ जल को इस तरीके से बनाए रखते थे ताकि गर्मी के समय में भी पानी का संकट ना हो। बीते 10 सालों में जिस प्रकार से भूगर्भ जल का दोहन हुआ है, जिस प्रकार से जलाशय का दोहन हुआ है, जिस तरीके से कुएं को सुखा दिया गया है, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी निगरानी नहीं की गई है, उसका कारण जल संकट के रूप में आया है। देखिए, हमारे पास यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी के जो जलाशय हैं उसकी क्या स्थिति है, उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से यमुना का दोहन हुआ है। और यहाँ के जो लेखकों ने, यहाँ के जो जल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कैसे दिल्ली के लोगों ने 45 साल में पूरी की पूरी यमुना को ख़त्म कर दिया, पूरी की पूरी। आज यमुना की स्थिति ये है कि वो कह सकते हैं कि केवल जो इंडस्ट्रियल जो कचरा है उससे भरा हुआ है। तो जब तक आप जलाशय को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बोरवेल की सुरक्षा नहीं करेंगे, जब तक आप पानी के संकट के लिए समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और जिस प्रकार से इस बार का तापमान तेज हुआ है, जिस प्रकार से जो इस बार तापमान में तेज़ी आई है, और तापमान में तेज़ी की वजह से जो भूगर्भ जल नीचे चला गया है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली के पास अपना जो प्राकृतिक जो सोर्स है, जो प्राकृतिक पानी का भंडार है, उस भंडार को बचाने के लिए, उस भंडार को जिंदा रखने के लिए, उस जलाशय में लबालब पानी कैसे सालों भर रहे, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जो ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, और जिसका नतीजा है कि सियासी बयानबाजी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी से पूछ रही है कि आपने बीते 10 सालों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली निर्भर है पंजाब के ऊपर, दिल्ली निर्भर है हरियाणा के ऊपर, दिल्ली निर्भर है उत्तर प्रदेश के ऊपर, चाहे वो रावी नदी का पानी हो, चाहे गंगा नदी का पानी हो, चाहे मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी पहुँचे, हालांकि वो पानी दिल्ली को पहुँच रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में पानी का उत्पादन जितना हो रहा है, जैसा कि आंकड़ों के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 129 करोड़ जो गैलन है वो डेली प्रतिदिन दिल्ली में पानी की खपत होती है, और 1000 MGD ही दिल्ली में पानी का उत्पादन हो पाता है।
तो पानी का उत्पादन और पानी के खर्च में जो अंतर है उस अंतर को पाटने की जरूरत है और यही वजह है कि दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है जी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुयश भी जुड़ी हुई हैं। सुयश से जानना चाहेंगे कि गीता कॉलोनी में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पानी संकट वहां पर भी गहराता हुआ जा रहा है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आतिशी बार बार सामने आती हैं, लेकिन उनका जल प्रबंधन के लिए उन्होंने क्या कुछ किया उसके बारे में कुछ नहीं बताती हैं। सुयश सही कहा, और अभी जो स्थिति बनी हुई है ना, ये नई नई है दिल्ली के लिए, क्योंकि दशकों पुरानी हम कह सकते हैं 3 दशक से ये समस्या चली आ रही है। और केजरीवाल जब सरकार बनाने के लिए दिल्ली में आए थे तो लोगों से ये वादा करके आए थे कि दिल्ली में वो सबसे पहले पानी की समस्या ही दूर करेंगे, वो झीलों का शहर बनाने वाले थे। वो तो बातें आप छोड़िए ही, वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं। रहा सवाल केंद्रीय ये जो जल मंत्री हैं, दिल्ली जल मंत्री आतिशी की, तो उन्हीं के अगर विधायकी क्षेत्र की हम बात करें, जहाँ से वो विधायक हैं कालका जी, वहाँ भी पानी की इतनी समस्या है कि वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं, तो पूरी दिल्ली की तो बात ही छोड़ देते हैं। वो वादे करती हैं, अब उनके क्या बात आ गई है कि अब वो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई आम आदमी पार्टी को कि अगर आपकी ये समस्या है टैंकर चोरी का है, उसका अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। देखिए, मुनक नहर का जिक्र हमेशा आता है, और अब उनका क्या कहना है कि मुनक नहर पे एक IAS या IPS को वहां तैनात कर दीजिएगा। उनकी तरफ से केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, अभी तक उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला है। 10 साल से समय हो चुका है, 10 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की, और हर बार ये समस्या हो रही है। और जेल से अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार जाने से पहले हर बात कही, केजरीवाल ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पानी को लेकर के दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। और इसको लेकर के बीजेपी पार्टी लगातार हमलावर है, कल भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया था और आज फिर एक बार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी 19 जगहों पर प्रदर्शन आज जी, जल बोर्ड के सामने करेगी प्रदर्शन, लगातार बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है जी सुयश। और कल अब से कुछ ही देर में यहाँ बांसुरी स्वराज आएंगी जी सुयश, तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज आएंगे और 52 अलग अलग जगहों के, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे भाजपा का आज विरोध प्रदर्शन होगा। और आपके कल विधायक भी जल शक्ति मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था, ये गुहार लगाई थी कि अगर अंतर्राज्यीय समन्वय हो तो दिल्ली में जल संकट जो है वो कम किया जा सकता है। फिलहाल गिरीश आपका, धीरज आपका और सुयश आपका, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए नया सवेरा। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Your gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मैं कह जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का जायजा लेने वाला केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल रविवार शाम कोलकाता पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डायमंड हार्बर, कुलतली और संदेश खाली का दौरा करेगा। इसके साथ ही भाजपा का प्रतिनिधिमंडल कूचबिहार का भी दौरा करेगा और वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से बातचीत करेगा। रविवार को कोलकाता पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले शहर में भाजपा की ओर से चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थल पर पहुंचा। आप सभी को बता दें कि ये प्रतिनिधिमंडल बाद में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को एक रिपोर्ट भी सौंपने वाला है।
और बात करें गर्मी की तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने उत्तर भारत में जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के तमाम हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ एक हिस्सों में भी गर्म हवाओं की चपेट में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका के साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। 20 जून तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस बीच पिछले कुछ समय से हो रही भारी बारिश के कारण गुवाहाटी में जल भराव हो गया है। तो 20 जून तक भारी बारिश रहने की संभावना है। डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता सुबीना रॉय जुड़ चुकी हैं। सुबीना, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, डिब्रूगढ़ में इस समय कैसे हालात हैं और जल भराव की क्या स्थिति बनी हुई है और जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है? भावना, अगर हम असम और डिब्रूगढ़ की बात कहें तो असम में रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आज और कल में जो है भीषण वर्षा होने की संभावना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेदर जो है काफी क्लाउडी है और यहाँ पे हैवी वर्षा होने की बात की जा रही है। जैसे असम और मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है और आज और कल हैवी बारिश की संभावना की आशंका की जा रही है। जबकि हम नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इन सब की बात कहें तो 19 और 20 जून को यहाँ पे हैवी बारिश होने की संभावना है। और हिमालय में जब जो आप बोल रहे थे वेस्ट बंगाल और सिक्किम में जो है हैवी भारी वर्षा हुई और आज और कल भी भारी वर्षा होने की संभावना है। और असम की अगर स्थिति की आप बात कहें तो कुछ दिनों से जो वर्षा हो रही है उसकी वजह से करीबन 6,000 लोग फिर से इफेक्टेड हो गए हैं और इसमें लगभग 7 जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और इनमें से जो है आप 63 जो गांव है, 93 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। और हालांकि इस बार का जो ट्रेंड है, असम के जो साउथ असम का जो एरिया है जो कि कचा रीजन है उसमें काफी फ्लड्स आया है। जैसे करीमगंज जो जिला है उसमें जो है सबसे ज्यादा गांव, जैसे 77 विलेजेस इफेक्टेड है करीमगंज में, और बोरपेटा में 1800 लोग इफेक्टेड है बाढ़ की स्थिति से। कोई भी कैजुअल्टी अब तक कल रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है बुलेटिन फ्लड बुलेटिन के रिपोर्ट के हिसाब से। और जो है सात डिस्ट्रिक्ट की बात कहें तो बोरपेटा, बोंगाईगांव, धेमाजी, ग्वालपारा, करीमगंज, साउथ सलमारा, ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये अफेक्टेड है। और कैंप्स की कल बात कहें तो करीमगंज जो कि कहा कि ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस बार के बाढ़ से, तो उसमें जो है 3 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और उसमें करीबन 900 से ज्यादा लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल। हालांकि फ्लड्स काफी हो रहे हैं असम में, बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें कि 2001 से 2021 तक जो IMD का रिपोर्ट कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वर्षा का फ्लो कम हुआ है। सुबीना, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे ताजा अपडेट लेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के प्रतीक इस त्यौहार की रौनक ईदगाहों और मस्जिदों में देखी जा रही है, जहां मुस्लिम भाई विशेष नमाज अदा कर रहे हैं। इस दिन सभी ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा करने का रिवाज है। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाज अदा की गई और देश की प्रगति, विकास, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। तो ईद उल अजहा की रौनक का जो है
वो देखने को मिल रही है। ये दृश्य आप नोएडा से देख रहे हैं, जहां ईद की विशेष नमाज अदा की जा रही है। इस मौके पर देश की तरक्की की भी दुआ की गई है। तमाम ईदगाहों में और मस्जिदों में ईद उल अज़हा की विशेष नमाज अदा हो रही है। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, आप मुंबई से ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर ईद उल अज़हा की विशेष नमाज अदा की गई। तो ये त्याग और भाईचारे का त्यौहार है, जहाँ पर लोग प्रण लेते हैं अपनी किसी बुराई को त्यागने का। तो ईद उल अज़हा के मौके पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की दरगाह पंजाब शरीफ में नमाज अदा की। पूरी दुनिया का अलग मुल्क है, जहां पर कि सभी धर्मों के सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं, और दुनिया के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी जो है फेस्टिवल्स हैं, वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, उनको मिलकर के मनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, इसी को कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे देश और विश्व भर में आज मनाया जा रहा है। ईद से ही पर ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से जुड़ रहे हैं विकास सिंह, वहीं पटना से जुड़ रहे हैं मधुरेश। सबसे पहले विकास सिंह के पास जाना चाहेंगे, जो लखनऊ में इस समय मौजूद है। विकास, अगर लखनवी अंदाज की बात की जाए तो जहाँ ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं लखनऊ में किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है? प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है, बाज़ारों में ज़रूर रौनक दिख रही होगी। बिल्कुल, त्यौहार जीवन में रौनक लाते हैं, उमंग लाते हैं, और आज हर्षोल्लास के साथ ईद उल अज़हा का पर्व मनाया जा रहा है। हम इस समय ऐशबाग ईदगाह में हैं, जहां पर 10 बजे यहां पर मुख्य नमाज अदा की जाती है। बड़ी संख्या में नमाजी यहां पर आते हैं। हम वो मैदान आपको दिखाना चाहेंगे ईदगाह का, जो कितना बड़ा कैंपस है, और लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक विशेष जगह पर प्रांगण परिसर में महिलाएँ भी आज नमाज अदा करेंगी यहाँ पर, और हर्षोल्लास का पर्व है, कुर्बानी का पर्व है यहाँ पर। इसके बाद पूरे लखनऊ में रौनक नज़र आती है, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद तमाम सारे लोग कुर्बानी देने के बाद जब घर से बाहर निकलते हैं जश्न मनाने के लिए, खास तौर से बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग जाते हैं, तो आकर्षक ढंग से लखनऊ के बाजार भी सजाए जाते हैं। और लखनऊ में खास तौर से जो मशहूर है, लखनऊ के स्ट्रीट फूड जो बेहद ही सस्ते और अच्छे होते हैं, बिल्कुल उनका भी लुत्फ उठाते हैं लोग, एक दूसरे के घर जाते हैं। आज के दिन सेवैयों से मुंह भी मीठा कराया जाता है, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देने के बाद यहाँ पर लोग निकलेंगे, और पूरे लखनऊ में रौनक देखते ही बनती है, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे पार्क हों, हर जगह यहाँ पर लोग जाएंगे और बिल्कुल इस त्योहार को बिल्कुल बड़ी खूबी से मनाएंगे, बड़े जश्न के साथ, उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। बिल्कुल विकास, यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ बात होती है त्याग की, जहाँ बात होती है बलिदान की, और त्याग किसी ऐसी चीज का जो आपके लिए प्रिय है लेकिन वो अच्छा नहीं है। मान लीजिए आपके अंदर कोई बुराई है, आप अपनी उस बुराई का त्याग कीजिए, तो ये त्याग और बलिदान का त्योहार है। ऐसे पे लोगों का किस तरह की प्रतिक्रिया जो नमाज पढ़ने के बाद अपने प्रण लेते हैं? बिल्कुल, लोग जब आते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए तरक्की की दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। और जब ये पर्व है कुर्बानी का, तो तमाम सारी वो चीजें त्याग की जाती हैं जो आपकी आदत बन गई है, उन सारी आदतों का त्याग किया जाता है, जो बुरी आदतें हैं, जो समाज के उत्थान। तो विकास, कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान का त्योहार है, प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी है। विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन आज भारत के दौरे पर आएंगे। उनके साथ राज्य के उप सचिव कर्ट कैंपेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी आएंगे। सुलिवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की दूसरी बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सुलिवन का भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है।
जैक सुलिवन पहले फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कारण ये संभव नहीं हो सका, इसलिए वार्षिक समीक्षा बैठक 17-18 जून के लिए पुनर्निर्धारित की गई। इस बैठक के बाद दोनों देश एक संयुक्त बयान देंगे, जिसमें आईसीईटी तंत्र पर प्रगति और महत्व पर जोर दिया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए आगे बढ़ते हैं और देश भर से कुछ खास खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। यहां आयोजित होने वाले किसान सम्मान सम्मेलन में वो पीएम किसान सम्मान की 17वीं किस्त जारी करेंगे और 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर में आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पवित्र गुफा मंदिर तक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अमरनाथ यात्रा ट्रैक और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चर्चा होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सरकारी बिजली बिलों के पेमेंट का VIP कल्चर खत्म करने की घोषणा की है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ CM खुद भी अपने बिजली के बिलों का भुगतान स्वयं करेंगे। ये नया नियम जुलाई से लागू होगा। MBBS में एडमिशन लेने के लिए NEET UG की परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सरकार संवेदनशील है। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग jksasb.nic.in पर शुरू हो गई है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस साल की 52 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के लिए सुविधा शुरू कर दी है। जम्मू के RSpura सेक्टर में भी आग लगने की घटना हुई है। इस घटना में मधुमक्खी पालन केंद्र में इस्तेमाल होने वाले बक्से जलकर खाक हो गए। आग की इन दोनों ही घटनाओं में आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। भारत और कंबोडिया के बीच पहली डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा रविवार को शुरू की गई। इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। और आइए अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी रेशमा। रेशमा, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आज आप अखबारों से? सबसे पहले तो सुप्रभात शैला और भावना, आइए समाचार पत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। अगर हम राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो एक खास खबर है, हाल ही के आतंकी घटनाओं और अमरनाथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें जम्मू में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बात हुई है। और आपको यहां बताने चाहेंगे हम कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई इसमें निर्देश भी दिए हैं, कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अपने निर्णायक चरण पर है। और आइए एक और खास खबर आपको दिखा देते हैं, ये भी काफ़ी खास हो जाती है। ये खबर भी देखिए कि
80 देश क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर समझौते के पक्ष में हैं। भारत ने यूक्रेन संबंधी शांति सम्मेलन के बयान से खुद को अलग कर लिया है और साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि संघर्ष में शामिल यूक्रेन और रूस के बीच ईमानदारी और व्यवहारिक भागीदारी की आवश्यकता पर भी काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा भी कुछ ख़ास खबरें और आ जाती हैं। ख़ास अखबारों की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ हम ज़रूर बताना चाहेंगे, कल संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल पर 15 महापुरुषों और महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद प्रांगण में प्रेरणा स्थल को लोकार्पण किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रतिमाएँ हैं ये संसद भवन परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थी, जिससे आने वालों को दर्शन करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अब सभी को जो खास व्यक्तित्व हुए हैं उनकी एक ही जगह पर एक झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अब एक और ख़ास खबर पर आपकी नज़र डलवा लेते हैं। मॉनसून बेहद करीब है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही मॉनसून आता है मच्छर से हम सभी परेशान हो जाते हैं और इसी लिए जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं उन्होंने कुछ बेहतर कदम उठाने की कोशिश की है और साथ में ये भी कहा है कि इस वर्ष बेलगाम हो सकती हैं जल जनित बीमारियाँ और साथ ही इन बीमारियों से बचने की भी काफ़ी सलाह दी गई है। और स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं उन्होंने यही कहा है कि हम कुछ बेहतर से बेहतर कदम आएंगे जिससे कि आम लोगों को इन परेशानियों से जूझना ना पड़े। और एक और बेहतर खबर आप तक पहुंचा देते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं वेस्ट टू वेल्थ ये काफ़ी अहम बात हो जाती है और केंद्र सरकार भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है और इसी सिलसिले की ये खबर है, कबाड़ बेचकर रेलवे ने 41,000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। जी हाँ, आपको हम यहाँ ज़रूर बताएंगे कि देश भर में तकरीबन 46,000 मीट्रिक टन कबाड़ बेचा और साथ में कुछ अर्निंग भी की गई, लेकिन अच्छी खबर यहाँ ये आ जाती है कि जो कबाड़ बेचकर पैसा कमाया गया है ये आम जीवन जो ख़ासतौर से जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँचाया जाएगा कि वो अपना इलाज बेहतर से बेहतर करा सकें, जो एक अच्छा कदम माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कुछ एजेंसियों ने कि जितना भी कबाड़ है अगर उनसे कुछ बनाया जा सकता है तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि कबाड़ हम सब के लिए न सिर्फ हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है बल्कि कहीं ना कहीं अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं तो जीवन में हमारे बेहतर हो सकता है। तो ये थी कुछ खास खबरें सुर्खियों से। रेशमा, इन तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य सुर्खियों को इतने कम समय में समेट कर हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम आपका परिचय योग मंत्रों से करा रहे हैं। ये मंत्र या श्लोक विभिन्न शास्त्रीय और साहित्यिक ग्रंथों से लिए गए हैं जिनका मूल संस्कृत भाषा में है। आइए देखते हैं आज का योग मंत्र। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है, इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। Evenness of mind one casts off in this life, both good and evil deeds. Therefore, devote the self to yoga, as yoga is skill in action. ये तो था योग मंत्र और योग मंत्र के बाद अब समय है कुछ यौगिक क्रियाएं सीखने का। तो आइए जानते हैं कि अधिक वजन की समस्या को ठीक करने के लिए क्या है योग सूत्र। नमस्कार, मैं नेहा चाफेकर। आज हम देखेंगे कि हम वजन कम करने के लिए कौन से
आसन कर सकते हैं। हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें 7 अलग प्रकार के आसन हैं और 5 आसन हम दोहराते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन की रचना है जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम होता है। इसमें 100 से ज्यादा मांसपेशियों का व्यायाम होता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सिद्ध प्रार्थनासन, पैरों को एक साथ करके हाथों को शरीर के बाजू में रख के खड़ा रहेंगे और फिर दोनों हाथों को जोड़ देंगे, स्थित प्रार्थनासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन, हाथों को नीचे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ मोड़ेंगे, हस्त उत्तानासन। उसके बाद हस्त पादासन, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को पैरों के बाजू में या जहां तक हो सकता है वहां तक लेकर जाएंगे और सिर को घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे। फिर हम जाएंगे अश्व संचलन आसन में, तो हम दाहिने पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पीठ को नीचे दबा के आगे की तरफ देखेंगे। फिर अधोमुख श्वानासन, बाएं पैर को पीछे लेकर जाके एक पैर जितना दोनों पैरों के बीच में अंतर रखकर इधर रुक जाएंगे थोड़ा देर। उसके बाद अष्टांग नमस्कार के लिए दोनों घुटनों को नीचे रख के छाती को दोनों हाथों के बीच में अष्टांग नमस्कार। अब जाएंगे भुजंग आसन में, तो दोनों पैरों की उंगलियां बाहर निकालकर पैरों को चिपका देंगे और शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे हाथों की मदद से। फिर हाथों से वजन हटाकर पीठ के मदद से ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना आ जाएंगे, भुजंग आसन। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों पैरों को अंदर करके शरीर को ऊपर उठाना है अधोमुख श्वानासन में। फिर पैरों में एक पैर जितना अंतर रखेंगे। उसके बाद वापस आएंगे अश्व संचलन आसन में, तो दाएं पैर को आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, आगे देखना है। फिर बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे दाएं पैर के पास, हस्त पादासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन, दोनों हाथों को सिर की तरफ लेकर आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और हाथों को जोड़ देंगे, स्थित प्रार्थनासन। यही हम दूसरे बाजू फिर दोहराएंगे। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि सभी देशवासियों, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का यह त्यौहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई, ईश्वर करे कि ये विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल कारोबार और फिल्म जगत से फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे पता का चाय गजब का स्वाद। मैं कह जी सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और आइए अब आगे बढ़ते हैं और खबरें देखते हैं खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप में सुपर आठ की दौड़ में शामिल बांग्लादेश का सामना आज नेपाल के साथ खेला जा रहा है। इस मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया है। आज के दूसरे मैच में नीदरलैंड का सामना श्रीलंका से हो रहा है। मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमें पहले ही सुपर आठ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने तीरंदाजी के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने फाइनल में शीर्ष वरीय ईरान की मोबिना फलाह को 6-2 से पराजित किया। भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को पेरुगिया चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में नागल को इटली के लुसियानो डार्जेरी के हाथों 6-1 6-2 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। और आइए आगे बढ़ते हैं फिल्म जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज का। कार्तिक आर्यन स्टारर चंदू चैंपियन की शुरुआत भले ही धीमी रही हो लेकिन कमाई का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुस्त ओपनिंग के बाद चंदू चैंपियन का पहला वीकेंड धमाकेदार रहा। बाबा बागेश्वर की शरण में आए संजय दत्त हाथ जोड़कर लिया आशीर्वाद बोले बार बार यहां आऊंगा। बॉलीवुड से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक हिंदी सिनेमा के कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस महीने रिलीज हो रहे हैं। इसमें प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि 2898 AD रिलीज होगी। आलिया भट्ट ने अपनी बुक फाइंड अ होम लॉन्च की। ये एक चिल्ड्रन पिक्चर बुक है। सोनाक्षी और जहीर ने अपनी शादी पर भले ही चुप्पी साधी हुई हो लेकिन कपल के करीबी दोस्त और बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर हनी सिंह ने दोनों की शादी को कंफर्म कर दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रौतू का राज फिल्म रिलीज होने वाली है। सिद्दीकी इस मूवी में पुलिस वाले की भूमिका में है। ये मूवी थिएटर में रिलीज न होकर OTT पर दस्तक देगी। नया सवेरा में आगे बढ़े अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों में उप हिमालय पश्चिमी बंगाल सिक्किम असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना जाहिर की है। और आइए आगे बढ़ते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं।
तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लद्दाख के लोकप्रिय हेविस से चू महोत्सव की शानदार झलकों के साथ। जी हाँ, लद्दाख का ये लोकप्रिय त्यौहार गुरु पद्मा संभव की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रार्थना की जाती है, स्थानीय कलाकार मास्क डांस करते हैं, साथ ही तमाम परंपराएं निभाई जाती हैं। इस पल के गवाह बनने के लिए देश विदेश से लोग लद्दाख पहुंचते हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया।